नमस्कार, मैं हूं शिप्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और देश के सुपरहिट शो दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज के दंगल में हम बिहार की बदलती राजनीति पर चर्चा करने जा रहे हैं। बिहार की धरती चाणक्य काल से ही राजनीति की प्रयोगशाला रही है। चाणक्य ने इसी धरती से एक साधारण बच्चे को मगध साम्राज्य का सम्राट बना दिया था। बिहार के डीएनए में राजनीति है, यही वजह है कि बिहार तरह तरह के राजनीतिक प्रयोग का गवाह भी बनता रहा है। ठीक वैसे ही अब नीतीश कुमार ने एक बड़ा सियासी प्रयोग किया है, बीजेपी को गच्चा देकर आरजेडी के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली और इस तरह से 8वीं बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। जानकार यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़कर एक तीर से दो निशाने साधे हैं। पहला, अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए कमंडल की राजनीति पर मंडल की राजनीति को हावी करना और वहीं दूसरा 2024 के लिए मोदी के खिलाफ विपक्ष के लिए खुद को एक चेहरे के रूप में प्रस्तुत करना। हालांकि ये दांव कितना सटीक बैठेगा ये 2024 का चुनाव ही बताएगा, लेकिन आज सवाल ये भी है कि क्या नीतीश कुमार के सहारे 2024 में विपक्ष मोदी को बड़ी चुनौती दे पाएगा। दंगल में इस मुद्दे पर आज बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट। 17 साल में 8वीं बार मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार। 2005 से अब तक पाला बदल बदल कर बिहार की सत्ता पर कुंडली मारे बैठे नीतीश कुमार ने एक बार फिर पाला बदला है और इस बार नजर 2024 पर, यानी दिल्ली के सिंहासन पर। हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहले नीतीश कुमार ने बीजेपी गठबंधन से अलग होने के 3 बड़े कारण बताए। एक ये कि जेडीयू के लोगों की राय थी इसीलिए गठबंधन तोड़ दिया। दूसरा ये कि बीजेपी ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया और तीसरा ये कि 2020 में बीजेपी के कारण चुनाव में उनका नुकसान हुआ। हमारे पार्टी के सब लोग से पूछिए जो अप्रोच था जिनके साथ थे, उनके साथ जो अप्रोच था आप सोच न लीजिए भाई, 3 में 2 अलगे न हो गए। तो जो उनका व्यवहार और जो कुछ भी चुनाव में जो अप्रोच था, अपने दल के सब लोगों को ये फीलिंग है कि ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। हम लोगों के लोगों ने उनको सपोर्ट किया और उनकी तरफ से जेडीयू को हराने ही की सब बात हो गई। सब सब पूछिए, हम तो तब तक कुछ नहीं, हम तो चाहते भी नहीं थे बनना, लेकिन हमको लोगों के मान लिया। लेकिन अब जो पार्टी के सब लोगों से बात होती रही, सबके मन में था नहीं तो फिर हम लोग चले गए अपना पुरानी जगह पर। अब ठीक। नीतीश का आरोप है कि बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने पर जेडीयू को नुकसान हुआ है और आंकड़े भी यही बताते हैं। 2015 में जेडीयू जब महागठबंधन के साथ था तो उसे 71 सीटें मिली थी और 16.7% वोट मिले थे, जबकि 2020 में जब नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ चुनाव लड़ा तो जेडीयू को सिर्फ 43 सीटें मिली और वोट प्रतिशत भी गिरकर 15.38% पर आ गया। हालांकि आंकड़े 2 साल पहले ही नीतीश कुमार के पास थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री बने रहे। अब 2024 के सियासी महासंग्राम से पहले नीतीश कुमार ने फिर पाला बदल लिया और अब विपक्ष में जाकर नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की योजना बना रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि विपक्ष खत्म हो जाएगा तो हम लोग भी तो आ ही गया विपक्ष में। जितना जितना करना है उतना वो करते न रहे। नीतीश कुमार 2024 में पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर अभी भले ही पत्ते ना खोलना चाहते हों, लेकिन जानकार मानते हैं कि महागठबंधन में आकर नीतीश कुमार ने अपना अगला लक्ष्य दिल्ली को ही रखा है। कई पार्टियां हैं, हर पार्टी में एक एक दो दो तो मुझे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार दिखाई पड़ते हैं। अब ये पार्टियों का नाम मैं नहीं लूंगा, विपक्ष की पार्टियां, चाहे वैकेंसी हो ना हो, चाहे लेकिन वेटिंग लिस्ट के लिए पीएम इन वेटिंग बनने में किसी को क्या एतराज है। तो कुछ लोग जो है वो प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं बल्कि प्रधानमंत्री इन वेटिंग बनने के लिए एक लंबी लिस्ट है, लेकिन जब चुनाव हो जाता है तो मेरे दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, हालत ये हो जाती है। अभी कोई वैकेंसी जनता ने नहीं रखी हुई है।
देश के आम चुनावों से पहले महागठबंधन की ओर से कभी नीतीश कुमार तो कभी ममता बनर्जी, कभी मायावती तो कभी अरविंद केजरीवाल तक को पीएम पद के प्रत्याशी के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता रहा है। लेकिन चुनाव आते ही महागठबंधन की एकता धराशायी हो जाती है और नरेंद्र मोदी के सामने और बराबरी का नेतृत्व विपक्ष को नहीं मिल पाता। नहीं ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि वो काबिल आदमी है और चुनाव में जो है वो फिर से नए चुनाव जो होंगे उसमें एक नाम ऐसा है जो स्वीकार किया जा सकता है 2024 के लिए, 24 के लिए, इसलिए ये संभावना में खारिज नहीं करता। नीतीश कुमार की पार्टी के नेता अक्सर ये कहते हुए सुनाई पड़ते हैं कि बीजेपी ने जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की है। नीतीश कुमार ने भी वही आरोप दोहरा दिए। अब बाद में फिर गए, इसके बाद जो कुछ भी होता रहा तो हमारे दल के लोगों को कुछ नहीं, एक आदमी को हम जिम्मा दे दिए, अब फिर उसी आदमी के बारे में सबसे पूछिए। पार्टी के तरफ रहने के बजाय कहीं और दिमाग चले। एनडीए के साथ चुनाव लड़कर बीच कार्यकाल में नीतीश कुमार ने महागठबंधन का हाथ थाम लिया। बीजेपी नीतीश कुमार के फैसले को जनादेश का अपमान और बीजेपी के साथ धोखा बता रही है। वो कह रहे कि हमारी पार्टी को तोड़ा जा रहा था, तो भाई हमको तो सरकार बनाने की 40 विधायक चाहिए, उनके पार्टी को अगर तोड़ भी देती बीजेपी तो सरकार क्या बन सकती थी, और हम क्यों तोड़ेंगे भी हमारे, जब उनके 44-45 विधायक थे तब हमने उनको मुख्यमंत्री स्वीकार किया, तो अगर हम चाहते तो उसी समय कुछ कर सकते थे। लेकिन बीजेपी ने आज तक कभी भी अपने किसी सहयोगी को धोखा नहीं दिया। फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल का तो यही मानना है कि नीतीश कुमार ने यह फैसला बिहार और देश के हित में लिया है। बिहार के जनता बहुत खुश है, अब लगता है बिहार के जनता के मैं शुभकामना देती हूँ, बिहार के जनता को शुभकामना देती हूँ, बधाई देती हूँ कि बिहार के जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ है। काम और होंगे आगे, आपको लगता है? बहुत अच्छा नीतीश जी, बहुत अच्छा से काम करेंगे, तेजस्वी भी अच्छा से काम करेंगे, दोनों मिल के बहुत अच्छा काम करेंगे। अब देखना होगा कि पिछड़े वर्ग के वोट बैंक के भरोसे पीएम पद की कुर्सी तक पहुंचने का सपना पाल रहे नीतीश कुमार को अगले चुनाव में कितना समर्थन मिल पाता है। दिल्ली से जितेंद्र सिंह, पटना से हिमांशु मिश्रा के साथ सुजीत झा, आज तक। 2022 की बिहार की अंगड़ाई क्या 2024 के लिए बड़ी लड़ाई के संकेत हैं? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करेंगे, पक्ष विपक्ष के मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उसके पहले इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान तार किशोर प्रसाद जी, जो कि पूर्व डिप्टी सीएम बिहार के भारतीय जनता पार्टी के नेता, लाइव जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है तार किशोर जी आज तक पर। और मेरा सीधा से सवाल आपसे यह है, आप लोगों को छोड़ते ही, मुख्यमंत्री की शपथ एक बार फिर से लेते ही नीतीश कुमार ने बीजेपी पर सीधा हमला किया, ये कहा कि बीजेपी हमारी पार्टी को खत्म करना चाहती थी, तोड़ना चाहती थी और उन्हें सबक सिखाना जरूरी था। देखिए, आपने आपको जानकारी होगी ही कि नीतीश कुमार जी ने 2017 में जब उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ा था, कुछ तकनीक की दिक्कत आ रही है तारकिशोर जी का, हम सीधे संपर्क करेंगे, अपनी बात को आगे बढ़ाइए सर जी। और भ्रष्टाचार के सवाल पर उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ा था और वही आरोप आज कल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर लगाया। जब इनकी अपनी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो जब उभरती है तो फिर इस तरह का आरोप लगाकर वो एनडीए से हटने का या किसी भी गठबंधन से हटने का बहाना खोजते हैं। बार बार कुछ तकनीक की दिक्कत आ रही है, मैं फौरन आपके पास लौटूंगी। और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय कराते हुए चर्चा में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अशोक सिंह जी, नेता आरजेडी के जुड़े हुए हैं, माधव आनंद जी, प्रवक्ता जेडीयू के। उसके पहले तारकिशोर जी, अपनी बात को आगे बढ़ाएं, तकनीकी दिक्कत आ रही है इस वजह से रोकना पड़ा था आपको, अपनी बात को आप आगे बढ़ाइए। तारकिशोर जी, आप अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं, आपकी आवाज बीच में नहीं आ रही थी। और जिन मुद्दों पर वो मुद्दे तो आज भी हैं, भ्रष्टाचार के सवाल
खत्म तो नहीं हो गए, आरोप कभी है ही एक्चुअली। वास्तव में इनको अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए अगर डगर अलग डगर पर चलना था तो ये बहाना करके एनडीए को छोड़कर फिर ये महागठबंधन के साथ बोली। आप लोग संभाल के नहीं रख पाए नीतीश कुमार को, आरोप ये भी लग रहे हैं। लोगों ने हमेशा इन्हें सहयोग किया है। अब तो 2024 के लिए हुंकार भर रहे हैं कहते हुए कि बीजेपी ये नहीं समझे कि 2014 में आ गए थे तो 2024 में भी बने रहेंगे। देखिए एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, श्री नीतीश कुमार जी जिस जनता दल यूनाइटेड से आते हैं जी, और 2000 से लेकर अभी तक वो अलग अलग ही में आठवीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड जब बिहार में सिर्फ अपने बूते बिहार की सरकार नहीं बना पाई, हमेशा उसे किसी न किसी गठबंधन का और दल का सहारा लेना पड़ा। वो अगर भारत के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनने का या इस तरह के की बातें वो करते हैं और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में इतनी करते हैं जो वैश्विक स्तर पर भारत के विशिष्ट पहचान दिलाई है और हर घर घर में मोदी नाम बसा हुआ है और मोदी जी ने अपने भारत सरकार के कार्यक्रमों के द्वारा आम लोगों तक उन्होंने एक सफलतापूर्वक पहुंचने का प्रयास किया है, ठीक है, और उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना कहीं उचित कतई उचित नहीं है। आने वाला जो 2024 है उसमें भारत की जनता तय करेगी अगली बार भारत का प्रधानमंत्री दोबारा कौन होगा। लेकिन आप लोगों के साथ तो खेला कर दिया ना, मंत्री दोबारा कौन होगा जी, और निश्चित तौर पर श्री नरेंद्र मोदी सालों तक डिप्टी सीएम बने रहते भारत के प्रधानमंत्री, बीच में ही उन्होंने आपकी कुर्सी छीन ली तो दर्द तो होगा ना इस बात का व्यक्तिगत तौर से भी। तारकिशोर जी मैं आपसे कह रही हूं कि कहां आप पांच सालों तक डिप्टी सीएम बने रहते लेकिन बीच में ही उन्होंने धोखा दे दिया। इसके पहले सुशील मोदी बड़े उनसे घनिष्ठ माने जाते थे लेकिन दो दो डिप्टी सीएम बीजेपी ने बनाया उसके बावजूद नीतीश कुमार को आप लोग साध पाने में पूरी तरह से कामयाब क्यों नहीं हो पाए? तारकिशोर जी कहां पर गलती हो गई? नहीं देखिए सुशील मोदी जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी लंबे वक्त तक उप मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी के साथ एनडीए सरकार में काम किया है और हम सबों ने भी जो भी हम सबों का काल मिला है काम करने का हम सब अपने दायित्वों के प्रति हमेशा सचेत रहे हैं, उसका निर्वहन किए हैं। एक्चुअली नीतीश जी कभी अपना दर्द बताते नहीं थे क्या आप लोगों को? तो कहा भी है बीजेपी को लेकर जरा सहज नहीं है वो, कभी उन्होंने जाहिर नहीं किया आप लोगों के सामने? देखिए हर ये दो साल पर ये गठबंधन बदलते हैं तो इनका गठबंधन बदलने का वक्त आ गया था और 2024 नजदीक आ रहा था इसलिए इनको लगा कि ये गठबंधन बदलने का वक्त आ गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के आने वाले भविष्य में उम्मीदवार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, ठीक है, यहाँ तो वैकेंसी थी नहीं। और सवालों के छोटे छोटे जवाब मैं आपसे चाहूंगी तारकिशोर जी। तेजस्वी यादव की ओर से कहा गया है कि बंपर रोजगार एक महीने के भीतर वो देने जा रहे हैं बिहार के युवाओं को, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के सामने 2024 में विरोधी दलों के अगर साझा उम्मीदवार बनते हैं तब तो राह बड़ी मुश्किल कर देंगे बीजेपी की 24 के लिए? नहीं देखिए वो आने वाले दिनों में यूपीए के वो उम्मीदवार बनते हैं कि नहीं बनते हैं उस समय क्या राजनीतिक परिस्थितियां रहेगी ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हमारे जो सशक्त प्रधानमंत्री हैं यशस्वी प्रधानमंत्री हैं वो आज प्रधानमंत्री हैं और देश को उन्होंने विकास के डगर पर लाने का एक बेहतर प्रयास किया है और आने वाले दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हमारे प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। और यूपीए रोजगार उम्मीदवार रहेंगे, सोनिया गांधी उम्मीदवार रहेंगी,
कि राहुल गांधी उम्मीदवार होंगे कि नीतीश कुमार जी उम्मीदवार रहेंगे कि शरद यादव उम्मीदवार रहेंगे कि ममता बनर्जी उम्मीदवार रहेंगी, ये तो वो लोग तय करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर राजनीतिक धारा पर काम किया है और हम सबों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के लोगों का दिल जीता है। ठीक है। और आने वाले दिनों में ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मौजूदा वक्त में भी वो प्रधानमंत्री हैं। अब 2024 की लड़ाई को ये विरोधी दल कितना दिलचस्प बनाते हैं, कौन किस पर रहेगा हावी, इस पर रहेगी हमारी नजर। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तारकिशोर प्रसाद जी पूर्व डिप्टी सीएम, 24 घंटे पहले तक वो पूर्व सीएम डिप्टी सीएम थे, लेकिन 24 घंटे के बाद राजनीति में परिस्थितियां कितनी तेजी से बदल जाती हैं। आप बिहार के डिप्टी सीएम हो चुके हैं तेजस्वी यादव, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। 2024 की ये जो लड़ाई है, आज के 2022 की अंगड़ाई के जरिए किस तरह से साधी जाएगी। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। माधव आनंद जी प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ मौजूद हैं, रागिनी नायक जी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और आरएसएस की जानकार हमारे साथ टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। सुजाता पांडे जी भी बीजेपी के भी नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन माधव आनंद जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, ये अचानक से बंपर रोजगार देने का वादा कर दिया गया है तेजस्वी यादव की ओर से, अगर इस तरह से कदम आगे बढ़ाया जाएगा तो सवाल पूछा जाएगा कि नीतीश कुमार इसको क्यों नहीं कर पाए। लेकिन उसके पहले आपसे मेरा सीधा सवाल है, 2024 के लिए महत्वाकांक्षा जाग गई है क्या नीतीश कुमार की? लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के सामने उतनी बड़ी मजबूती से वो खड़े हो पाएंगे, होंगे उम्मीदवार विपक्षी दलों के? जी चित्रा जी, देखिए आदरणीय नीतीश कुमार जी एक सम्मान नेता है और वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर इंडिया में है जी, और सभी पार्टी के लोग जो है उनको जो है निश्चित रूप से सम्मान देने का काम करते हैं। उनमें सारी क्वालिटी है, जो लीडरशिप की जो क्वालिटी होनी चाहिए। इतने अनुभवी नेता हैं, केंद्र सरकार में काम किया, बिहार सरकार में लगातार जैसे बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे जैसे वो हैं, 17 साल से बिहार वासियों की सेवा कर रहे हैं। तो जो उनमें नेतृत्व की क्षमता है, अगर उस नेतृत्व की क्षमता का फायदा अगर विपक्षी पार्टी उठाना चाहती है, डिसाइड तो आदरणीय नीतीश कुमार जी को करना है। लेकिन अभी तो गिरिराज सिंह बोल रहे हैं कि 43 सीटों वाली पार्टी पहले यहाँ तो अपने आप को मजबूत कर ले, तीर में धार तो है नहीं, देश को कैसे साधेंगे? चित्रा जी, मेरी पार्टी कितनी मजबूत है आपने देखा ना, एक तरफ गठबंधन टूटा, दूसरी तरफ तमाम विपक्षी पार्टियां एक स्वर से आदरणीय नीतीश कुमार जी का समर्थन करने का काम किया। एक तरफ बीजेपी अकेला और एक तरफ 7 पार्टी। तो नीतीश कुमार जी ऐसे लीडर हैं जो सभी को मान्य है और सभी लोग उनको स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सर्टिफिकेट हम लोग को लेने की जरूरत नहीं है। अब बीजेपी को आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि आखिर एनडीए का कुनबा लगातार क्यों कम हो रहा है, एक एक करके घटक दल क्यों छिटक रहे हैं, चाहे शिवसेना की बात करें, अकाली दल की बात करें, अब जो है जनता दल यूनाइटेड हम लोग जैसे अलग हो गए अभी भी, लेकिन एनडीए में 16 पार्टियां हैं। इस सवाल के साथ मैं लौटूंगी जैसे ही बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले रागिनी नायक जी, नीतीश कुमार का नेतृत्व 2024 के लिए स्वीकार्य होगा क्या कांग्रेस पार्टी को? जेडीयू की तो यही तैयारी दिख रही है। चित्रा जी, अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, आज देश में महंगाई की मार है, नौजवान बेरोजगार है, पेट्रोल डीजल 100 के पार है, गैस का सिलेंडर खरीदना हुआ दुश्वार है, महिलाओं की अस्मिता तार तार है, देश की संप्रभुता संविधान और सीमा पर प्रहार है, ऐसी निकम्मी मोदी सरकार है। तो मुझे लगता है कि हर राजनीतिक दल जो जनतंत्र की सेवा करना चाहता है, जो जनता की सेवा करना चाहता है, और हर वो नेता कहीं ना कहीं 2024 में मोदी जी को चुनौती दे रहा है। और मैं तो बहुत खुश हूं कि आज नीतीश बाबू ने मुख्यमंत्री पद को संभालते ही तल्ख स्वर अपनाए। आपने खुद पहले फुटेज दिखाया, आपने सवाल पूछा उनसे सीधा सीधा, उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री रहूं प्रधानमंत्री रहूं वो गौण है, प्रमुख ये है कि नरेंद्र मोदी 2014 में जो प्रधानमंत्री बने थे उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, वो 2024 में प्रधानमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, आज ये बड़ा सवाल है। तो इससे पहले कि इसे ज्यादा तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाए, गठबंधन की जो मजबूत सरकार बिहार में है जिसका जिक्र माधव भाई भी कर रहे थे, उसकी तरफ से एक चुनौती मैं भी दे देती हूँ कि अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, ये फिर बताएंगे कि किसका शिकार करना है, और राजनीतिक शिकार की बात कर रही हूँ, ये फिर बताएंगे कि किसका शिकार करना है। बहुत गुरूर है दरिया तुझे रवानी पर, हमें भी जिद है कि दरिया को पार करना है,
तो 2024 की चुनौती तो चल रही है, सड़क पे लड़ाई चल रही है, संसद में लड़ाई चल रही है, तमाम विधानसभाओं के सदन में लड़ाई चल रही है, और विपक्ष की एकजुटता जैसे बढ़ती जा रही है। नेतृत्व वाले सवाल का जवाब नहीं दिया आपने राजनीतिक पैरों के नीचे। माधव आनंद जी ने कहा है कि 2024 का नेतृत्व करेंगे नीतीश कुमार, सारी पार्टियां एकजुट हो रही है, उस पर आपने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने ऐसा नहीं कहा चित्रा जी कि नेतृत्व करेंगे, मैंने बोला कि निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड का विपक्ष के तरफ आना, निश्चित रूप से केंद्रीय राजनीति और विपक्ष की राजनीति जैसे और मजबूत होगी। जहां तक प्रधानमंत्री के कैंडिडेचर की बात है, आदरणीय नीतीश कुमार जी अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार वासियों की सेवा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अरे गोल गोल मत बताइए ना, 24 में क्या करेंगे, सीधे सीधे जवाब, इतना गोल करेंगे भी नहीं करेंगे इस पर नहीं, सीधे बताइए ना। एक बार उनसे क्लैरिटी ले लेती हूँ, वो मुझे लग रहा है कंफ्यूज है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। पहले कह रहे हैं करेंगे, फिर कह रहे हैं कि नहीं करेंगे, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब क्या कहना चाहते हैं, करेंगे या नहीं करेंगे, ये मैं जानना चाहती हूँ। आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा जी माधव जी, मैंने तो पहले ही बोला कि वो एक बड़े लीडर हैं, उनमें लीडरशिप की क्वालिटी, अगर पूरा विपक्ष अगर चाहेगा तो निश्चित रूप से अगर उनकी इच्छा होगी तो स्वीकार कर सकते हैं, उसमें आपत्ति क्या है। ठीक है, उनमें सारी पार्टी है, वो कांग्रेस चाहेगी या नहीं चाहेगी। रागिनी नायक जी, अभी तो चाहत उमड़ घुमड़ कर आ रही है नीतीश जी को लेकर। चित्रा जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा ये मानती है कि भारत के लोकतंत्र को बचाने और चलाने के लिए 56 इंच का सीना नहीं, दरिया दिली चाहिए। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं प्रधानमंत्री बनने की अगर है तो क्या गलत है, लेकिन ये समय के गर्भ में रखी हुई बात है। और एक छोटा सा आपको दोहा सुना देती हूँ कि धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। तो चित्रा जी, ऋतु आने तो दीजिए, अभी तो 2 साल पीछे बैठे हैं, आप अभी से ही क्यों लड़ाई करवा देना चाह रही हैं, ऐसा मत कीजिए, ये बड़ी नाइंसाफी है। ठीक है, अब लड़ाई किस किस के बीच में होगी। सुजाता पांडे जी, मैं सीधे आपका रुख करते हुए, रागिनी नायक को आप सुन रही थी, बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़े करने वाली है यह नई सरकार, और कहा जा रहा है बिहार ने अंगड़ाई ले ली है, अब देश की बारी है। देखिए चित्रा जी, लोकतंत्र में सत्ता उसी के पास होती है जिसके पास जनमत होता है और जनभावना भी होती है। जहां तक नीतीश कुमार की बात करें तो 35 सालों से उन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा है, अभी कोई टॉलेस्ट लीडर की बात कर रहे थे। दूसरी चीज, जो उनकी पार्टी है लगातार जनादेश जो जनमत है उस पर घटा है, क्योंकि 2010 में वो अगर देख ले तो 115-110 की पार्टी होती थी, आज 45 सीटों पर सिमट के रह गई है, पार्टी टूटने के कगार पे भी है, काडर जो है बिल्कुल हतोत्साहित है। तीसरी चीज, जो ये सारी बातें हो रही है ये महागठबंधन पे, पहले ये बताइए कि ये किसके मैनिफेस्टो पे चलेगा महागठबंधन, क्या वो जो 7 निश्चय थे उसके मैनिफेस्टो पे चलेगा या फिर तेजस्वी के मैनिफेस्टो पे चलेगा। अगर आरजेडी तो अभी तक शराबबंदी का बिल्कुल विरोध करती रही है बिहार में, शराबबंदी पे क्या होगा। नौकरियों की तो बात, पहले हस्ताक्षर में 10 लाख सरकारी नौकरी देने वाले थे, आज क्या हुआ है, आज तो शपथ ले ली, कल तो बोल दो क्या बिहार के लोगों को कि वो तैयार रहे बिल्कुल बिल्कुल पाउडर लगा के, ताकि अगर क्या पता इंटरव्यू आ ही जाए। कह रहे हैं तेजस्वी बंपर नौकरी देंगे। और दूसरी बात जो आप मोदी की बात कर रहे हैं, उनकी पॉपुलरिटी ऑपोजिशन यूनिटी की बात कर, तो बहुत दूर तक नहीं जाऊंगी, अभी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे देख लीजिए क्या हुआ उसमें। जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, 4 में भाजपा ने एंटी इनकम्बेंसी को बीट करके, और अभी रागिनी जी जो दोहे बड़े अच्छे कहती हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि सिर्फ दोहे अच्छे कहती हैं, उनका नेता कुछ नहीं करता। जो बेरोजगारी की समस्या, कम्युनलिज्म, क्या क्या नहीं था यूपी चुनाव में, क्या हुआ यूपी चुनाव का नतीजा, पिछले बार से प्रचंड बहुमत से जीत गया है। दूसरी बात, जो ये सारी चीजें हैं कि तभी तो होगा कि चेहरा कौन होगा, नैरेटिव क्या है, नैरेटिव एंटी मोदी लेके जाएंगे, ठीक है मोदी को हटाना है, चेहरा कौन होगा, चेहरा तो पूछेगी ना जनता। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। संजय टाइगर जी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरजेडी के नेता अशोक जी भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके पहले रागिनी नायक जी, बार बार चेहरे को लेकर तो देश की जनता सवाल पूछेगी ना, कौन होगा चेहरा आपका। चित्रा जी, अभी तो मैंने आपसे कहा चेहरा भी पता चल जाएगा, और आज तो सरकार बनी है, सरकार में मंत्री कौन बनेंगे ये भी पता चल जाएगा। सरकार जैसे महाविकास अघाड़ी चल रही थी, जिसको ईडी के दम पर और पैसे के दम पर और तोड़ फरोड़ के दम पर हटाने का काम किया, वैसे ही एक विकास नहीं गई। मैं आपके बीच में, सुजाता जी आपके बीच में नहीं बोली, मैंने आपकी बात धैर्य से सुनी। आप एक आक्षेप लगा रहे हैं, देखिए मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, आप एक आक्षेप लगा रहे हैं।
मैडम सुनिए, अगर आप बीच में बोलेंगे बीच में मैं भी बोल सकती हूँ। एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, दोनों लोग बोलेंगे साथ में, समझ में नहीं आएगा। प्लीज सुनिए, मर्यादा के साथ डिबेट करिए। सब चित्रा जी सीटों पे कांग्रेस लड़ी, चित्रा जी आप मुझे अगर मौका देंगे तो मैं बोलूँ। ठीक है, उनका जवाब सुन लेते हैं, दोनों लोग साथ में बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी। राजनीति जल्दी से संजय टागर जी, अशोक जी भी इंतजार कर रहे हैं। सीटों पे कांग्रेस कांग्रेस ये तो शामिल हो जाए पहले, लेकिन रागनी नायक जी ने सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। एक सेकंड सुजाता पांडे जी प्लीज, सुजाता जी प्लीज, रागनी नायक जी सवाल तो महत्वपूर्ण है ना, सवाल सुन लीजिए आप। वो कह रही है कि जितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में जाती है और जितना बुरा प्रदर्शन करके आती है, अगर तेजस्वी यादव का ग्राफ 2020 में उस तरह का आगे नहीं बढ़ पाया एनडीए के मुकाबले, तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह कांग्रेस पार्टी भी रही। लेफ्ट पार्टियों का प्रदर्शन आपसे ज्यादा अच्छा रहा, जिस तरह से सीटें आपको मिली थी, अगर कांग्रेस अच्छा कर ले जाती तो हो सकता है तेजस्वी उसी समय कुछ कमाल कर जाते 2020 में। तो रागनी नायक जी, क्षेत्रीय पार्टियों के आगे कांग्रेस पार्टी इतनी खुश क्यों हो जाती है? चित्रा जी, क्षेत्रीय दल अपना परफॉर्मेंस देते हैं अपने राजनीतिक समीकरण के हिसाब से। प्री पोल अलायंस होते हैं, पोस्ट पोल अलायंस होते हैं, जो जैसा समीकरण सही बनता है उसके हिसाब से चुनाव लड़ते हैं। और मैं इस बात में बिल्कुल गुरेज नहीं करती हूँ, बिहार में पिछले 30 सालों में कांग्रेस का संगठन कमजोर रहा है, लेकिन हमने जो 19 सीटें जीती, ऐसा नहीं है कि ये 19 की संख्या 91 नहीं हो सकती, या आज जो भारतीय जनता पार्टी के 70-78 सीटें हैं वो वापस 6-7 नहीं हो सकती। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, कोई चुनाव पहला नहीं होता और कोई चुनाव आखिरी नहीं होता, ना हार अंतिम है ना जीत अंतिम है। ठीक है, लेकिन ये राष्ट्रपति चुनाव, एक मिनट चित्रा जी, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव और राष्ट्रपति चुनाव की बात कर रही है, क्या क्रॉस वोटिंग पहली बार हुई है इस चुनाव में? क्या ऐसा नहीं हुआ था नीतीश बाबू ने प्रणब दा को वोट दिया था जब वो एनडीए के साथ में थे? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, उसके आगे बढ़ते हुए 2024 पर रहते हैं, 2024 पर रहते हैं। संजय टाइगर जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। संजय टाइगर जी सीधे आपके पास आते हुए, ठीक है ठीक है ठीक है, अभी 2024 का बिहार पर ही चर्चा कर लेते हैं, इधर उधर नहीं जाते हुए। संजय टाइगर जी सीधे आपके पास आते हुए, 2014 में आने वाले 2024 में भी रहेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। संजय टाइगर जी, बीजेपी पर हमलावर होते हुए नीतीश कुमार, और साथ ही ये आरोप भी मढ़ दिया कि 2020 में बड़ी साजिश रची गई थी बीजेपी की ओर से, तभी हमारी सीटें कम आई थी। देखिए, नीतीश जी कोई ज्योतिषी नहीं है, और 2013 में हमारे गठबंधन को छोड़कर इसलिए चले गए थे कि हमने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया था। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, बीजेपी को अकेले प्रचंड बहुमत मिला। 2019 में तो भी हमारे साथ थे, उससे ज्यादा सीटें हमको आई, और अगली बार इससे भी हम आगे जाने वाले हैं। देखिए, 5 राज्यों का विधानसभा का चुनाव हुआ, इन लोगों ने क्या क्या नहीं कहा जो आज बातें कही जा रही हैं। देश की जनता ने 4 राज्यों में वहाँ की सरकारें हमारी दोबारा बनी, और पंजाब में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। देश की पुरानी पार्टी जिस हालात से गुजर रही है, मुझे दया भी आ रही है और तरस भी आ रहा है। और ये हताशा, निराशा और कुंठा के इस दौर से गुजर रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पर इनका भरोसा नहीं रहा, चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं रहा, न्यायालय पर भरोसा नहीं रहा। अब वहां तक कहां जा रहे हैं, पहले लौट आते हैं ना, ये 2024 के लिए मुश्किलें खड़ी कर देंगे आपके लिए, कुंठा में है। आप समझ पा रहे हैं कि अगड़े और पिछड़ों की राजनीति में एक बार फिर से बिहार अगर बटा तो बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल होने वाली है 2024 में? देखिए, जब उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ तो जितने सियासी पंडित थे कहते थे कि बीजेपी को बड़ी मुश्किल होगी उत्तर प्रदेश में। हाँ। क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? हमने बड़ी जीत हासिल की उत्तर प्रदेश में। और 2013 में जब बिहार में नीतीश जी हमसे अलग हुए थे तो कहा गया कि 14 में बड़ी चुनौती सामने आएगी। अब क्या हुआ 14 में, सबको पता है, 2 सीटों पर नीतीश जी सिमट गए। ये जो इनका कुनबा बिहार में बना है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, अब भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस कुनबे के भरोसे अगर वो बड़ी हसरत पाल रहे हैं तो ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। देखिए, कलाम साहब ने कहा था कि इंसान को बड़ा सपना देखना चाहिए, सपना देखने में कोई बुराई नहीं है, सबको हक है, लेकिन सपना भी अपने साइज का देखना चाहिए। हमने उपराष्ट्रपति नहीं बनाया,
नाराज हो गए, हमसे दूर चले गए और हम पे बहाना बना रहे हैं कि हमने उनकी पार्टी को कमजोर करना चाहा। माधव आनंद जी बताएंगे कि उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे उसी की खींच निकल रही है क्या, लेकिन उसके पहले अशोक सिंह जी आरजेडी के नेता हमारे साथ हैं। ठीक है सर, जरा बीजेपी के नेता के सवालों पर जवाब दीजिए अशोक सिंह जी। वो कह रहे हैं इधर की ईंट उधर का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, सपने देखने में तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सपना पूरा नहीं होगा 24 में। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं अशोक सिंह जी। चित्रा जी, मैं बड़ी देर से डिबेट सुन रहा था और डिबेट आज तक में हो रही, चित्रा त्रिपाठी जी ले रही हैं, इस डिबेट का रूप ही दूसरा होता जा रहा है। राजनीति में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है, किस तरह की सोच हो रही है, किस तरह की विचारधारा के लोग मिल रहे हैं, ये सोचने की बिंदु है जी। आज बिहार का जो मैंडेट है नीतीश और तेजस्वी के मिलने से एक बहुत बड़ी ताकत बिहार में खड़ी हुई, एक विश्वास जागा है। जैसे बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 16 में ये हुआ 18 में, निश्चित तौर पर बहुत प्रचंड बहुमत से आई, लेकिन उसके पीछे कारण क्या था? देश के प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी आती है हर राज्यों में जाती है और बड़े बड़े प्रलोभन देती है कि हम इस विकास करेंगे, हम इतना पैकेज देंगे, हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, तमाम आडंबरों के बीच में एक पुलिंदा बनता है। लेकिन पिछले 6-7 सालों से 8 सालों से देखिए चित्रा जी, क्या कहीं पर कोई बड़ा उद्योग लगा, क्या रोजगार के साधन मुहैया हुए? नौकरी देने की बात को सरकारी जो हमारे उपक्रम थे वो बिकने शुरू हो गए। नीतीश कुमार पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं कि कुछ किया ही नहीं बिहार में मुख्यमंत्री बनके, यही कह रहे हैं इसी चिंता के कारण नीतीश जी उनका साथ छोड़े हैं। नीतीश जी आज छोटे की ये झूठ के आडंबर को हम छोड़कर यथार्थ की जिंदगी में जाएं। अरे जो 20 सालों से मुख्यमंत्री हो अशोक जी, आपके इस उद्योग धंधे पर मुझे नीतीश कुमार का चुनावों के दरमियान दिया गया भाषण याद आ गया, जब उन्होंने कहा कि यहाँ पर समंदर थोड़े ना है कि उद्योग धंधे बहुत तेजी से पनपेंगे और आगे बढ़ेंगे। और अभी उद्योग मंत्री बने तो थे शाहनवाज हुसैन, कई करोड़ों का लेकर जा रहे थे उद्योग, वहां पर बीच में ही साथ छोड़ दिया। तो यही तो बात है कि उस समुद्र में नीतीश जी थे जिस समुद्र में केवल लफाजी होती थी, भाषणबाजी होती थी कि हम बिहार को एक सुंदर माहौल देंगे, बिहार ही नहीं पूरे देश को देंगे। आज देश की जनता ठगी गई है, आज देश की जनता बड़ी चिंतित है, आज देश का नौजवान चिंतित है, कहां है रोजगार? इतने सालों से लोग, आप चित्रा जी ध्यान से देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी का ग्लैमर ये जैसे इवेंट होता है उस तरह तो चलता है, लेकिन यथार्थ में जनता त्राही त्राही कर रही है, जनता रो रही है। बिहार में रोजगार नहीं आया उसके लिए नीतीश जिम्मेदार नहीं है, बीजेपी जिम्मेदार है अशोक सिंह जी, आप ये कह रहे हैं नीतीश कुमार जिम्मेदार नहीं है? वो लाना चाहते थे लेकिन बीजेपी हाथ पकड़ के रोक देती थी कि मत लेकर जाइए रोजगार। नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ दबे हुए थे, उनको घुटन महसूस, उनको करने दबा कर रखा था संजय टाइगर जी आपने नीतीश कुमार को, घुटन महसूस कर रहे थे वो, और आप लोगों की वजह से रोजगार नहीं जा पाया बिहार में। नीतीश मिलकर बिहार को एक नई दिशा दिखा दी है। रागी जी आ रही हूँ, सुजाता जी बोल लीजिए प्लीज। संजय टाइगर जी छोड़ा था उनके गठबंधन को, छोड़ा था तो गंभीर आरोप लगाए थे, उसका जवाब मांगा था, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे, क्या उसका जवाब मिल गया? उस भ्रष्टाचार की कड़ी में और भ्रष्टाचार की कोई कड़ियां जुड़ गई, तो आपका जो चेहरा था और आपका क्या मूल्यांकन था नीतीश जी के प्रति? आज तो बड़ी बड़ी बात है, मैं एक वीडियो क्लिप आपको दिखाता हूँ। संजय जी आप ले कि जो समाजवादी विचार नेटवर्क की दिक्कत है, इस वजह से सिर्फ आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं, इस वजह से वीडियो हम देख नहीं पाएंगे। नहीं, अशोक सिंह जी देश की इज्जत और मर्यादा की बात आती है तो एकजुट होकर देश की राजनीति में साथ हो जाते हैं। वो तेजस्वी यादव जब जबरदस्त तरीके से नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे थे उस समय का वीडियो दिखा रहे हैं, लेकिन अशोक सिंह जी लालू प्रसाद यादव जी का जरा मैं एक ट्वीट पढ़ देती हूँ जो जबरदस्त तरीके से वायरल है। सुनिए ना अशोक जी अशोक जी सुन लीजिए, तो नीतीश कुमार के लिए ये किया गया ट्वीट है, बहुत ज्यादा समय हुआ नहीं इसको, उन्होंने लिखा नीतीश सांप हैं, जैसे सांप केचुला छोड़ता है वैसे ही नीतीश भी केचुल छोड़ता है और हर 2 साल में सांप की तरह नया चमड़ा धारण कर लेता है, किसी को शक? तो अभी 2 साल बाकी है 2024 में।
आज उनकी धारणा बदल गई। हम बता तो रहे हैं चित्रा जी, समाजवादी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करता है, लेकिन जब प्रदेश और देश खतरे में होता है तो एकजुट होकर वो लड़ता है। जिस व्यक्ति को हमने बीजेपी के चलते, नरेंद्र मोदी के चलते सहयोग किया, वो किस तरह गठबंधन को छोड़कर भाग गया और बहाने बना रहा है। दर्द कुछ और है, दर्द है उपराष्ट्रपति नहीं बने, बहाना कुछ है, बीजेपी हमको तोड़ना चाह रही है। अरे बीजेपी तो आप 6 सांसदों वाले विधायकों वाली पार्टी थे, 7 विधायकों वाली पार्टी थे, कहाँ पहुंचाया हमने? हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया, केंद्र में मंत्री बनाया, और आपका जो चेहरा था जिसको कहते थे कि हमारे चेहरे पर वोट मिलता है, इस बार जब आपको वोट नहीं मिला तो आपका कहाँ गया चेहरे का चमक? इसका तो बीजेपी को हो गया। जब सीटें मिलती थी तो आपके चेहरे पर मिलती थी। अरे आपके चेहरे पर हमने कलम कमल का लेप लगाकर उसको चमकाया था, अब वो लेप उतर गया। आने वाला चुनाव में पता चल जाएगा कि आपका चेहरा कितना। माधव आनंद जी, ये सवाल तो आपके लिए है, बीजेपी का लेप चिपका हुआ था चेहरे पर नीतीश कुमार के? 16 सांसद हो गए आपके। हमारी बिल्ली हमें से म्याऊ, हमारी बिल्ली हमें से म्याऊ। माधव आनंद जी और रागनी जी बहुत हंस रही हैं। मैं आऊंगी रागनी आपके पास, माधव जी की बात हो जाए। बिल्ली बनाने में शौक है। संजय टाइगर जी ने बहुत सारे बातें कर दी। संजय टाइगर जी को मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या उन्होंने एहसान करके किया कि मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बना दिया? ये तो पहले से डिसाइड था कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और वही मुख्यमंत्री जैसे होंगे चुनाव के बाद। अरे आज नीतीश कुमार ने कहा है कि मैं तो सीएम नहीं बनना चाहता था 2020 में, जबरदस्ती बना दिया बीजेपी ने मुझे, आज ही का उनका बयान है। माधव आनंद जी, मैं बता रहा हूँ ना, जब वो कहे स्वेच्छा से कहे कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता हूँ, तो यही सभी लोग मिलकर कहे कि नहीं आपके नेतृत्व में ही मुझे काम करना है, और सबके जैसे रिक्वेस्ट को उन्होंने स्वीकार किया कि बिहार के हित को ध्यान में रखते हुए कि बड़े नेता हैं उनके नेतृत्व में ही सब काम करना चाहते हैं, उसको भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं संजय टाइगर जी को, संजय टाइगर जी आपसे कहने के लिए आए थे कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी की मुझे उपराष्ट्रपति बनना है और राष्ट्रपति बनना है, अरे आप गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर पाए, आप गठबंधन नहीं कर पाए। अगर गठबंधन धर्म की बिहार की कुर्सी मैं बीजेपी को दे देता हूं वो बोल रहे हैं कि एक नेता आए थे बोलने के लिए कि उपराष्ट्रपति की कुर्सी दे दीजिए और बिहार संभालिए आप। माधव आनंद जी, अरुणाचल प्रदेश में हमारे विधायकों को तोड़ने का काम किया, बिहार में साजिश रची, बिहार में तो हम जंगल के सारे जनता को एक एक करके एक एक करके एक एक बिहार पार्टी को धोखा देने का काम किया। अरे आप गठबंधन धर्म निभाना ही नहीं जानते हैं, और यही कारण है कि एक एक करके एनडीए का कुर्बा जो है सो अलग हो रहा है। चले ठीक है, एक बार रागनी नायक के पास चलते हुए, वो गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते हैं। 17 साल एक बार आपने उनके साथ गठबंधन किया, 5 सालों से आप सरकार चला रहे थे, इसलिए आप पर भी एक उंगली सामने वाले पर उठाएंगे माधव आनंद जी, तो 3 आपकी ओर भी इशारा करेंगी। लेकिन रागनी नायक, देखिए कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी विचित्र स्थिति है। आप बिहार में कितनी भी खुश हो जाइए, लेकिन ये बात सही है कि बिना आरजेडी नीतीश कुमार के वहां पर कांग्रेस पार्टी का क्या अस्तित्व है, ये बताने की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश में आपका पूरा सुपड़ा साफ हो गया, सिर्फ एक विधायक बचा है, विधान परिषद में कांग्रेस पार्टी है ही नहीं, क्लीन बोल्ड हो चुकी है। देश के दूसरे भी हिस्सों में अगर हम नजर डालें तो कांग्रेस सिकुड़ती भी चली जा रही है। ऐसे में 2024 में अगर आप लोग ये दावा करें, एक तरफ राहुल गांधी है, नीतीश कुमार बिहार से हो गए, ममता बनर्जी बंगाल से हो गई, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, मतलब मोदी के सामने इतने सारे उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे, बड़ा चेहरा ताकतवर चेहरा उनके सामने कौन होगा जो मोदी को चुनौती दे पाएगा? रागनी नायक जी, देखिए एक पार्टी जिसका पैन इंडिया प्रेजेंस है लोकसभा में भी और क्षेत्रों में भी, क्षेत्रीय अगर हम राजनीतिक समीकरण की बात करें तो वो कांग्रेस पार्टी, एक ऐसा धागा जो तमाम मोतियों को एक माला के रूप में पिरोकर रख सकता है, और कांग्रेस की छाप देश के हर कोने, हर जिले, हर गांव, हर देहात, हर शहर में, इस बात से तो कोई मुझे लगता है गुरेज कर ही नहीं सकता। तो ऐसे में क्या संभावनाएं बनेंगी लोकसभा चुनाव की, और क्षेत्रीय दल किस तरीके से उभर कर आ सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ उनका क्या गठबंधन होगा, किस तरीके से कदम ताल चलेगी, ये बड़े प्रश्न है और वाजे प्रश्न भी है जो आप पूछ रही है, और समय के साथ साथ मुझे लगता है इनका जवाब मिलता रहेगा। पर मैं तो आज ये कहना चाहती हूँ चित्रा जी कि देखिए ऊंट जो है ना, ऊंट, ये बिल्ली की बात कर रहे थे, मैंने बता दूं ऊंट जो है वो अपनी ऊंचाई पर बड़ा इतराता है, पर जब पहाड़ के नीचे आता है तो कैसे बिलबिलाता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज आपको देखने के लिए मिल गया।
हमेशा मुंह में राम बगल में छुरी वाली राजनीति के चलते इनके घटक दल, आपने खुद कहा 24 थे उससे 16 रह गए हैं। बड़े बड़े जो मुख्य क्षेत्रीय दल थे जिनके साथ ये जूनियर पार्टनर के रूप में सरकार चलाते थे, उन्होंने तो जल्द से जल्द इनसे दामन छुड़ाने का काम किया है। आज ये जेडीयू की तरफ उंगली उठा रहे हैं। अरे चिराग पासवान को प्यादा बनाकर राजनीतिक शतरंज पर चाले चलने का काम तो इन्होंने चुनाव से पहले ही शुरू कर दिया था। और आप शिवसेना तो मान लीजिए अब आपके विरोध में थी, तो आप एकनाथ शिंदे गुट को अलग करके आपने तोड़ वहां पर सरकार तोड़ दी, गिरा दी। लेकिन जो आपकी सहयोगी सरकार है उसको भी आप आरपीसी सिंह के कंधे पर रखकर बंदूक चलाकर गिरा रहे थे। तो ये तमाम घटक दल जो अभी इनके साथ हैं और जो आगे आने वाले भी हैं वो इनसे सावधान होकर खड़े हो गए हैं। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ, केवल एक लाइन और बोलूंगी बिहार के बारे में, कि एक ऐसा प्रदेश, ऐसी पावन भूमि, अडवाणी जी के सांप्रदायिक रथ यात्रा को रोकने वाला बिहार और आज मोदी जी के सांप्रदायिक बुलडोजर से लोकतंत्र को बचाने वाला भी बिहार ही साबित हुआ है। इसीलिए बिहार के महागठबंधन को कम कर अगर आप आंक रहे हैं तो वो आपकी गलती है और ये मुझे लगता है समय के साथ पता चल जाएगी। सुजाता जी के लिए बस एक लाइन और कहूंगी, बस 10 सेकंड दे दीजिए, एक लाइन और कहूंगी कि आप कांग्रेस पर सवाल उठाने से पहले जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखिए और मोदी जी के 15 लाख, 2 करोड़ नौकरी, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, किसानों की दुगनी आय और 2022 तक घर, ये सारे वायदे, ये जो आरोप राजनाथ जी कांग्रेस पार्टी लगातार लगा रही है उसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जवाब दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया था, या फिर वहीं दूसरी तरफ देखें विरोधी दल, 5 अगस्त के कांग्रेस के प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रहार सामने आया है। शॉर्टकट अपनाने से शॉर्ट सर्किट अवश्य होता है, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री। कैसे काले जादू, देखिए ऐसे लोग काले जादू की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी हमला करते हुए काले कपड़ों में कांग्रेस के नेता दिखाई दिए थे 5 तारीख को। कितना भी काला जादू कर ले जनता भरोसा नहीं करती, शॉर्टकट अपनाने से शॉर्ट सर्किट अवश्य होता है। और क्या कुछ कहा गया है प्रधानमंत्री की ओर से सुनिए। 5 अगस्त को देखा है कि कैसे काले जादू को फैलाने का भरपूर प्रयास किया गया। ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा हताशा का काल समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी ही झाड़ फूंक कर ले, कितना ही काला जादू कर ले, अंधविश्वास कर ले, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। काला कपड़ा पहनकर कितना भी काला जादू कर लें जनता का विश्वास अब कभी हासिल नहीं कर पाएगी कांग्रेस पार्टी। रागिनी नायक, इस पर तो आपका ही जवाब बनता है, जल्दी से प्रधानमंत्री का सीधा निशाना आपके ऊपर। ये कपड़ों से ज्यादा सीरत पर अगर मोदी जी की नजर होती ना तो आज भारत की ये सूरत ना होती, ये सूरते हाल ना होता। तो कभी कहते हैं कपड़ों से लोगों को पहचान लूंगा। अब जो विरोध प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ हो रहा था उसके ऊपर ध्यान नहीं है, ये नहीं बताएंगे कि महंगाई कैसे कम होगी देश में। हाँ, इस पर अटसुई अटकी हुई है कि काले कपड़े क्यों पहने थे। अरे कांग्रेसियों ने काले कपड़े पहने थे, आपका मन काला है तो काला जो मन है उसे साफ कीजिए, देश की जनता की पीड़ा को समझिए, उनकी नब्ज पर हाथ रखिए। और जो 2 करोड़ नौकरी देने का वादा आपने किया था जिससे आप 10 लाख पर उतर आए, वापस याद कीजिए उन वादों को, वरना जनता कहेगी कि मोदी रीति सदा चलाई, जो कह जाए वो कभी ना निभाई। सुजाता पांडे जी, रागिनी के आरोपों पर जवाब आपका। हाँ, इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, ये तो आपको पता ही चल जाएगा कि जनादेश जैसे ही आप 24 में देखेंगे, कांग्रेस जो 55 सीटों पे सिमटी हुई है, कहीं 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 जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उससे भी छोटी ना हो जाए। लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगी, आज मैं बिहार पे कॉन्सेंट्रेट और बोलना चाहती हूँ। आज RJD के स्पोक्स पर्सन यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, उद्योग की, मजाक बना के रखा है क्या बिहारी जनता का। अरे जंगल राज में रही हूं मैं, देखा है मैंने वो अपहरण का काल, वो जो गोप और गोलियों की जो जो आवाजें होती थी हर गली में, मुकुल राय भ्रष्टाचार। और क्या बात करेंगे, RJD को तो किसी हाल में हक नहीं है, हक नहीं है ना बिहार के बारे में बात करने की और बिहार के जनता के विश्वासघात के बारे में। बिहार को पूरा जंगल राज बना के बिहार के लोगों को मजाक का विषय बना के बिहार की जनता आने वाले चुनाव
जरा मैं जवाब ले लेती हूँ अशोक सिंह जी, आपका क्लोजिंग कमेंट इस पर मैं चाहूंगी। वो बार बार जंगल राज की याद दिला रही है सुजाता पांडे कि जंगल राज और अपहरण राज को भूला नहीं है अभी, और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर 2017 में अलग हुए थे नीतीश कुमार, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। ठीक है सुजाता जी, जवाब ले लेते हैं अशोक जी। सुजाता जी आज तक के ऑफिस पर बैठे ना, बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। चित्रा जी या सुजाता जी, आपने जो आरोप लगाए हैं सुजाता पांडे जी, उस पर जवाब सुन लेते हैं। ठीक है चुप होंगी अशोक सिंह जी, या चुप होंगी या बीजेपी की कैंडिडेट लग रही हैं। चित्रा जी, सुजाता जी राजनीतिक विश्लेषक हैं या बीजेपी की एजेंट हैं? आप इनको राजनीतिक विश्लेषक दिखा रहे हैं, हमें तो इनको राजनीतिक ज्ञान में शायद थोड़ी बहुत बहुत कमी है। चित्रा जी, मैं अनुरोध करना चाहता हूं सुजाता जी से कि सुजाता जी, जनता ने उनको सबसे ज्यादा वोटों से जिताया है और सबसे ज्यादा सीटें भी दी हैं। अब देखें तो कि बिहार की जनता उनको लथाड़ रही निकाल। अरे कब तक रोना रोएंगे जंगल राज का, कब तक चले? अब बिहार बदल रहा है, बिहार सुधर रहा है, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार एक नया रूप लेगा। आइए अपने इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आरजेडी कह रही है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार अंगड़ाई ले रहा है, फिर नीतीश कुमार के ऊपर क्या सुपर सीएम बन जाएंगे तेजस्वी यादव? कम से कम आरजेडी अपनी बॉडी लैंग्वेज से यही बताने दिखाने की कोशिश कर रही है। नई सरकार का आगाज हो गया है महागठबंधन के जरिए, इसके जरिए 2024 में क्या वास्तव में ये महागठबंधन देश के तमाम विरोधी दलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर नरेंद्र मोदी के सामने बड़ी चुनौती दे पाएगा? इस पर आज तक की नजर लगातार बनी रहेगी।